हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन रेसिपी चैनल। आज मैं आपके लिए बिहार के एक छोटे से गांव चंपारण की ट्रेडिशनल चिकन करी की रेसिपी लाई हूँ, जो कि ना सिर्फ बिहार में पूरे इंडिया में फेमस हो चुका है। इस ट्रेडिशनल डिश को कहते हैं आहुना चिकन। इसके लिए बिहार में आहुना जो है वो मिट्टी के बर्तन को कहते हैं। चंपारण में पहले आलू की फसल होती है, तो वहाँ के लोग सेलिब्रेट करने के लिए मिट्टी के बर्तन में चिकन पकाते हैं। फ्रेंड्स, ये थी कहानी आहुना और चंपारण की, तो चलिए अब रेसिपी देख लेते हैं फटाफट। ये तो सबसे पहले हम मसाले बना लेते हैं चिकन करी के लिए। इसके लिए हमें लगेगा 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 7 से 8 काली मिर्च, 7 से 8 लौंग। हम इसे दरदरा पीस लेंगे। इस तरह हमने दरदरा पीस लिया है। अब एक बाउल में निकाल लेंगे मसाले को। अब हमें क्रश कर लेना है 10 से 15 लहसुन, ये भी हम दरदरा पीस लेंगे। ऐड कर लेंगे छोटा टुकड़ा अदरक का, उसे भी हम क्रश कर लेंगे। इस तरह हमने अच्छे से क्रश कर लिया है, तो इसे भी एक बाउल में निकाल लेंगे। इस रेसिपी में चिकन मैरिनेट करने के लिए हमें लगेगा 1/2 कप अराउंड 60 ml सरसों का तेल और 2 टेबलस्पून घी। इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म करके इसे ठंडा होने देना है। सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे तो उसमें जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो नहीं आएगा, इसलिए आपको हमेशा इसे गर्म करके डालना है। तक तेल ठंडा हो रहा है, चलिए हम चिकन मैरिनेट करना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बाउल में बारीक कटे हुए 2 बड़े प्याज ले लिए हैं, 6 हरी मिर्ची ले लिए हैं लंबे कटे हुए, 3 से 4 खड़ी लाल मिर्ची लिए हैं, 2 साबुत लहसुन डाल देंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा, छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे, ऐड कर देंगे 2 तेज पत्ती, 6 स्टार इंच डाल देंगे, मैंने जो लहसुन अदरक पीस के रखा था वो डाल देंगे, और अब ऐड कर देंगे जो पीसा हुआ मसाला था। हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। हम इसमें ऐड कर देंगे 500 ग्राम चिकन। हमें चिकन को मसालों के साथ अच्छे से मिला लेना है ताकि चिकन के ऊपर मसाले की अच्छे से कोटिंग हो जाए। इस तरह हमने चिकन को अच्छे से मिला लिया है, आप देख सकते हैं मसाले की पूरी कोटिंग हो गई है अच्छे से। इतनी बढ़िया टेस्ट आता है जब मसाले और चिकन अच्छे से मिल जाते हैं। इस तरह चिकन को अच्छे से मसाले में मिलाने के बाद हम ऐड कर देंगे इसमें गरम किया हुआ सरसों तेल, इसे हमने ठंडा कर लिया था, इसे भी हम चिकन के साथ अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। एक मैंने मिट्टी का हांडी ले लिया है जिसमें आज हम चिकन बनाने जा रहे हैं। मिट्टी के हांडी में काफ़ी सारे पोर्स होते हैं, जिसे बंद करने के लिए हमें सबसे पहले सीजनिंग करनी होगी। हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं पहले से गर्म किया हुआ सरसों तेल। 8 से 9 टीस्पून मैंने सरसों का तेल ले लिया है यहाँ पर, जिसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। अब हम उसे हांडी में डालकर इस तरह रोटेट कर लेंगे सभी तरफ, ताकि ये हांडी के सरफेस में अच्छे से लग जाए। आप देख पा रहे होंगे किस तरह मैं इसे घुमा रही हूँ, इसी तरह आपको भी घुमा लेना है ताकि सरसों तेल की एक परत सी आ जाए ऊपर में। हांडी में डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। इसकी रेसिपी बिल्कुल गाँव के स्टाइल में है फ्रेंड्स, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। के बर्तन में जो चिकन बन के आएगी फ्रेंड्स, उसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी होती है, सौंधी सौंधी सी मिट्टी की खुशबू आती है। हांडी को कवर कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ले लिया है आटे का डो, जिससे हम इसे सील कर लेंगे ताकि इसमें का प्रेशर बाहर ना निकले। तरह आटे के डो से आपको अच्छे से सील कर लेना है हांडी को, चिकन जो है वो दम में पके। इस तरह हमें अच्छे से लगा लेना है ताकि कहीं से भी एयर पास ना हो और अच्छा सा प्रेशर बने अंदर। हमने अच्छे से सील कर लिया हांडी को। हांडी बिल्कुल रेडी है अब गैस में जाने के लिए। हम इसे चूल्हा में या चारकोल में बनाया जाता है, हमारे पास वो नहीं है इसलिए हम इसे गैस में बनाएंगे। 45 मिनट्स लगेंगे इसे पकने के लिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही धीमे आंच में पकाने जा रहे हैं, जो प्याज मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए और चिकन में चले जाए। क्योंकि हम जानते हैं चिकन बहुत ही जल्दी पक जाती है, इसलिए हम इसे लो फ्लेम में पकाएंगे धीरे धीरे। करीब 10 से 15 मिनट के बाद हमें इसे टोस्ट कर लेना है इस तरह। हमें इस तरह टोस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि चिकन ऊपर नीचे हो जाए और चिकन सही से पके। बीच बीच में हांडी का भी एंगल चेंज करते रहना है ताकि चिकन जो है वो जले ना। हमें हर 15 से 20 मिनट में हांडी को टोस्ट कर लेना है, थोड़ा हिला लेना है ताकि जो है करी ऊपर नीचे हो जाए और हांडी का एंगल चेंज करते रहना है। 45 मिनट्स हो गए हैं, तो चलिए हम चेक करते हैं। अब हम फोक या नाइफ़ के हेल्प से आटे को निकाल लेंगे ताकि उसमें प्रेशर रिलीज़ हो जाए। यहाँ पर हम प्रेशर इसलिए रिलीज़ कर रहे हैं ताकि चिकन जल्दी ठंडा भी हो जाए और चिकन ज़्यादा गले ना। तरह पूरा स्टीम निकलने तक हमें वेट कर लेना है। देख सकते हैं पूरा स्टीम निकल गया है, तो अब जो इसमें सील लगाया हमने हम उसे निकाल लेंगे। और अब सील भी निकल गया है, तो अब हम चेक कर लेते हैं चिकन करी। और अब आप देख सकते हैं चिकन करी, चलिए मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ।
चिकन जो है वो मसालों में बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है अभी। प्याज भी पूरे अच्छे से पक चुके हैं, गल चुके हैं। आपने देखा ये बनाना बहुत ही ईजी था। ये रेसिपी मेनली ट्रेडिशनल डिश लवर्स के लिए है। गांव का खाना या पुराने रीति रिवाज से खाना बनते आ रहे हैं, वैसे डिशेस पसंद है वो ये डिश ज़रूर ट्राई करें, उन्हें बहुत पसंद आएगा। ये गरम गरम स्टीम्ड राइस के साथ आप सर्व करें। देख सकते हैं चिकन का पीस कितने आसानी से कट रहा है, यानी कि ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, इसी तरह के ट्रेडिशनल डिशेज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।